मान्यवर हमारे काशीराम जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब अमर रहे, और मंच पर बैठे सभी मंचाशील राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय इनको नमो बुधाय, जय भीम। और मेरठ के इस धरती पर दूर दराज से आए हो भाई और बहनों सभी को ललिता यादव के तरफ से नमो बुधाय, जय भीम। मैं काशीराम जी को कोटि कोटि नमन करते हुए कहना चाहती हूँ कि उनका जन पंजाब के रोपड़ जिले खसवापुर ग्राम में 15 मार्च 1934 में हुआ था, जिन्होंने एक क्रांतिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए हमारे समाज में बाबा साहब को, जिसने जैसे कहा जाता है कांग्रेस ने हमारे बाबा साहब को इतिहास को दफन कर दिया था, और कांशीराम जी ने उस इतिहास को हमारे दलितों के सामने फिर से दोबारा जिंदा रखने का कार्य किए हैं। भाइयों और बहनों, हम आप लोग से निवेदन करेंगे कि आप लोग टूट टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बट कर रहेंगे, कभी सफलता हासिल नहीं होगी, एक मंच पर तो आना ही होगा। जैसे कि एक तालाब में छोटी छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियाँ को देख के भाग जाती है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उन्हें खा जाएंगी। लेकिन जिस दिन छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियाँ के आकार में उसी समुद्र में तैरना चालू कर देती है, तो बड़ी मछलियाँ डर के भाग जाती है। तो भाइयों, तो बहनों, और हम इनसे आप लोग से कहेंगे कि हम लोग हैं, अभी अभी एक भाई साहब बताए कि 85% दलित समाज के लोग हैं, 85% दलित समाज के लोग हैं, तो 15% लोग क्यों हम पे राज कर रहे हैं? हम में फूट है, हम में एकता नहीं है। अभी देखा गया है, अभी हम बिहार से आए हैं, बिहार में एक आंदोलन हम छेड़े हुए हैं, सरकार झुकाओ, नॉन बैंकिंग के डूबा हुआ पैसे वापस पाओ, जैसे कहा गया है। आज से पहले राजा रजवाड़ा के समय में जिसके घर में ज्यादा धन हो जाती थी तो राजा साहब अपने बराही को भेज के उसके धन को उठवा लिया करते थे, क्या भाइयों सच्चाई है कि नहीं? उसी प्रकार अभी सरकार के साजिश के खिलाफ हमारे समाज को, हमारे गरीब गुरबा किसान को, हमारे गरीब मजदूरों को, हमारे गरीब युवाओं को लूटा जा रहा है, नॉन बैंकिंग कंपनियों के नाम पर लूटा जा रहा है। जैसे कि अभी बार बार मार्केट से ये आता है कि नॉन बैंकिंग कंपनियां एजेंट और कस्टमर कहते हैं कि एजेंट दोषी है, वो मेरे पैसे वापस करो। लेकिन मैं कहती हूँ कि एजेंट नहीं, सरकार दोषी है। सरकार इस प्रकार की नॉन बैंकिंग कंपनियां का पंजीकरण किया तो हमारे गरीब गुरबा भाई नौजवान IIM BA MA PG करके बेरोजगार बैठे हुए थे, उन्होंने उस कंपनी का प्रचार प्रसार किया, आज गरीब गुरबा का पैसा फंस गया है। कहा जाता है कि एक सरकार ने उस कंपनी का लाइसेंस देकर मार्केट में लाया और दूसरे भारत सरकार वाले ने उसे बंद करवा दिया। भाइयों और बहनों, मैं बस इतना चाहती हूँ, 4 करोड़ एजेंट बहुजन समाज पार्टी बहुजन गैप समाज से हैं और 70 करोड़ निवेशक हैं, अगर ये दोनों मिल जाए, मिल के एक हो जाए, सरकार झुका